कंपनियों के दो कंपनियों के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी खबर है। डीआरडीओ की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है। अगर अब बात करें, जिस तरीके से हमने देखा है हिंदुस्तानी सेनाओं ने रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदे थे, ये सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स होते हैं, उसी की एक सिमिलर मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी वो इंडिया में डेवलप की जाएगी। इसको लॉन्ग रेंज रेडार एंटी एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, LSAR कहा जा रहा है। अगर इस सिस्टम को आप देखें तो ये अपने पोजीशन से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तक हवा में आने वाली कोई भी हेलीकॉप्टर हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो या हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन हो, उसको टारगेट करके ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वहीं पे अगर आप देखें जो इसका टोटल पहला 5 स्क्वाडन बनना है, उसकी कीमत जो है वो 21,700 के आसपास बताई जा रही है, जो कि हिंदुस्तानी वायुसेना को दी जाएगी। इसी के साथ साथ ये इसके आगे चलते हुए ये हिंदुस्तानी थल सेना के लिए और नौसेना के लिए भी बनाई जाएगी। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डीआरडीओ के साथ साथ BEL और BDL भी कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसको कंपेयर किया जा सकता है S-400, जिसका अगर जो हिंदुस्तान ने रशिया के साथ डील किया था वो लगभग कुछ 35,000 करोड़ का था, वहीं पे सेम 5 स्क्वाडन जो हिंदुस्तान अपना अभी एयरफोर्स के लिए ले रहा है वो 21,700 करोड़ है, तो लगभग 14,000 का एक डिफरेंस आ जाता है। तो इससे ये भी कहा जा रहा है कि इसका एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी इसकी संभावना है, कि जो बाकी देश है, क्योंकि कंपैरिजन में अगर US की हम लोग यही सेम टेक्नोलॉजी देखें, वहीं रशिया के S-400 देखें, तो उससे कहीं कम कीमत पे इसको हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। और अभी अगर रिसेंटली बोला जाए तो DRDO ने इसका ड्रॉइंग बोर्ड पर इसकी टेस्टिंग ख़त्म कर दी है, इसको ऑन फील्ड डेवलपमेंट और इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। 2028-29 तक इसको हिंदुस्तानी वायुसेना में इंडक्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के लिए, जहां सेना के लिए रडार एयर डिफेंस सिस्टम DRDO बनाने जा रही है, और इसके ऑर्डर्स मिलेंगे कितने, 21,700 करोड़ के ऑर्डर हैं जो BEL और BDL दोनों मिलकर काम करेंगे। ये आपके लिए बड़े ऑर्डर्स आते दिख रहे हैं और 2029 तक ये डील पूरे होने की संभावना। BEL आज सुबह सेठी साहब की लिस्ट में भी था खरीदारी का मौका, BDL भी मेरे ख्याल से उनकी लिस्ट में कई बार रह चुका है। जरा सेठी साहब इन दोनों पर अपनी राय दीजिए, स्पेशली BEL पर। बिल्कुल अनिल जी, आज सुबह बाजार खुलने के पहले जो पिक्स थी उसमें BEL भी था, और हालांकि इस स्टॉक ने सबसे कम परफॉर्म किया है अमंग द 5 स्टॉक्स विच आई रिकमेंडेड, बट एक जबरदस्त तेजी वाला स्टॉक है, बिल्कुल इसको लेके रखना है और शांति से बैठना है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे। वैसे भी डिफेंस पे बुलिश हूँ, और जो भारत डायनेमिक्स की बात हो रही थी उसको भी मैंने कई बार रिकमेंड किया है, हाल ही में जब वो स्टॉक स्प्लिट के लिए भी अनाउंसमेंट हो रहा था उसके पहले भी रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है और अच्छा करेगा। और इसी लीग में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एक पसंदीदा स्टॉक है, FNO में ट्रेड होता है, उस पर भी बुलिश हूँ। तो इन सब स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करनी है गिरावट आए तो, बाकी जिन्होंने लिया हुआ उनको बिल्कुल बैठना चाहिए। और मुझे लगता है एक बार ये इलेक्शन आउट ऑफ द वे होंगे, फिर जो बजट आएगा उसमें अगेन यही सब थीम्स चलने वाली है, रेलवेज है, डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब सेक्टर वाली कंपनीज पे या स्टॉक्स पे बिल्कुल बुलिश हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन सारे शेयरों पर आती हुई।